नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वाइकटूरी सूर्या और बुद्धिस्ट सर्किट इन उड़ीसा का शुरुआत करने वाले हैं हम कलिंगा वार से। आज हम आके पहुँचे हैं धौली पे, जहाँ पे कि कलिंगा वार लड़ा गया था और यहाँ पे एम्परर अशोक अपना रॉक एडिक्ट भी लिख के गए हैं। इस ऐतिहासिक पल के बाद पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूरी पे धौली है और जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे अशोक जी का लिखा गया शिलालेख, जो कि धौली पहाड़ के एकदम बॉटम ऑफ द हिल में है। और यहाँ पे उन्होंने अपने महामात्रास के लिए कैसे, मतलब कि राज्य को संभालना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को हैंडल करना है, उसके बारे में लिख के गए हुए हैं। कलिंग एक समृद्ध संपन्न राज्य हुआ करता था, जो कि आज का प्रेजेंट डे ओडिशा और साउथ ईस्ट आंध्रा में है। इस बात का उल्लेख मेगास्थिनिस, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उन्होंने ही मेंशन किया हुआ है। और ये वार लगभग 2300 साल पहले लड़ा गया था मगध और कलिंग के बीच में। कलिंग एक इंडिपेंडेंट राज्य था जो कि सी रूट में बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता था, खेती बहुत अच्छा होता था और कल्चरली भी बहुत एडवांस था। और अशोक 262 BC में कलिंग का ऊपर अटैक किया और कलिंग बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य था जो कि मगध को तीनों तरफ से घेरा रहता था। ये आप शिलालेख देख सकते हैं जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया है, और इस तरह का शिलालेख उड़ीसा भर में आपको मिलेंगे जो कि ज़्यादातर सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया है। इस शिलालेख में कलिंगा वॉर का डिवास्टेशन के बारे में भी वर्णन किया गया है, जिसमें कि लगभग 1,00,000 सोल्जर प्राण गंवाए थे और 1,50,000 सोल्जर्स को कैदी बना दिया गया था। और ये कहा जाता है कि दया नदी का पानी लगभग लाल हो चुका था और इस भयावह को देखते हुए अशोक अपने आप को बदल डाले और धर्माशोक में बदल गए। यहाँ पे एक जापानी मंदिर भी है और सोल्जर्स के स्मृति में एक स्तंभ बनाया गया है। कहा जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बोला था कि एक भी मृत आदमी को जिंदा कर दे, और जो कि वो कर नहीं पाए, और उसमें से ही उन्होंने अपने आप को बदल डाला। ये देख सकते हैं दया नदी रिवर का बेसिन जो है, यहीं पे ही कलिंगा वार लड़ा गया था। और ये पानी जो आप देख रहे हैं ये तो कुआखाई नदी है, इसी में ही दया नदी मर्ज हो गया है। और इसी इलाके में बोला जाता है कि बड़ा नदी का पानी लाल हो चुका, यहीं पे ही अशोक अपना धौली स्तूप में ही खड़े होके अपना दे रहे थे कमांड दे रहे थे अपने आर्मी को। ये है शिशुपालगढ़, जहाँ पे कि कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के सेना यहाँ पे रहती थी। और ये 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सकैबेशन में मिला। ये लगभग 15 से 20 फीट के नीचे, मिट्टी के नीचे पाया गया है। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि टूटा फूटा हालत में है, और अभी यहाँ पर बहुत सारे अभी खुदाई होना बाकी है और बहुत सारे जंगलों के बीच मतलब कि दफन है। और ये एक ऐसा है कि जो दया नदी के किनारे ही था पूरा एकदम, और इसको बहुत कम लोग ही देखे हुए हैं और ये बहुत ही नेग्लेक्टेड कंडीशन में इस वक्त है। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स अभी मिट्टी के नीचे से खोदना शुरू किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और देखते हैं शायद आगे और भी बहुत ज़्यादा क्लूज मिले इसके बारे में।
हम आशा करते हैं कि आप लोग जब भी घूमने आते हैं भुवनेश्वर में या धौली में घूमने आते हैं, ये जगह ज़रूर देखें। और सभी को ये निवेदन है कि हमारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को सजाए रखें, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करें और अपने तरफ से कम तो इसको डिसफिगर या डिफेस ना करें। हमारा अगला विजिट होगा खंडागिरी उदयगिरी केव्स, जो कि जैन मॉन्क्स ने बनाया हुआ था और उसको पैट्रनेज दिया था किंग खारवेला ने। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाइकर टूरिस्ट सूर्या, थैंक यू।